आपके साथ में कहूं कि इस कंपनी में फैसिलिटीज के नाम पे बहुत बहुत कुछ मिलता है। जी हां, तो इस कंपनी में फैसिलिटीज के नाम पे आपको सबसे पहले वीकली पेमेंट मिलता है, जो कि एक प्लस पॉइंटेड ही है। दूसरा बात की टू टाइमिंग्स फूडिंग की भी फैसिलिटीज आपको मिलती है, हालांकि वो चार्जेबल्स है, बिकॉज आपको मिल तो रही है ना फैसिलिटीज, क्योंकि बना बनाया हुआ खाना टू टाइमिंग फूडिंग का मिल रहा है, वो भी चीपेस्ट में। दिस इज़ ए बिग अपॉर्चुनिटीज, रूम फ्री प्रोवाइडेड है। अब देखिए, मैं बोलता हूँ कि आप सपोज किसी अनदर स्टेट से जा रहे हो उस लोकेशन में काम करने के लिए, कोलकाता में, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, कहीं से भी, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि कंपनी में रूम मिलता है नहीं मिलता है, खाना की सुविधा है फिर नहीं है, या फिर आप देखते हो कि अगर हमें वीकली पेमेंट मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। अगेन कि ये सब आप देखते हो, तो इनफैक्ट मैं बोलूँ तो ये आपके लिए गुड ऑप्शंस है। अगेन इस वीडियो को पूरा देखें, इन्फॉर्मेशन पूरा कॉलिक करें, ताकि आपको पूरा जानकारी मिल पाए। चलिए यहां पे हम आपको साथ में स्टार्ट करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ये जो कंपनी है मीटर बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक के मीटर होते हैं उसका बॉक्स बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब मैन्युफैक्चरिंग का नाम आए तो इसमें सैलरी भी बेहतर ही होंगे, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंटेड ये होगा कि सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग हेल्पर का काम है जिसमें आपको बिजली के मीटर का बॉक्स बनाना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको क्रेंट से डरना है, ये नहीं, आपको बॉक्स बनाने हैं। बॉक्स आराम से बनता है, इजी वे में बनता है। अगर इस कंपनी में आप मैन्युफैक्चरिंग हेल्पर से आप टेक्नीशियन हो जाते हो ना, तो डेफिनेटली आप 15-16 हज़ार रुपये एक साल के बाद ही कमाने लगोगे, 16-17 हज़ार रुपये। अगेन कि यहाँ पे देखिए, वीकली पेमेंट हियर है, ड्यूटी 12 आवर्स की शिफ्टिंग है, एंड 26 डेज वर्किंग इन अ मंथ। अब मैं आपको बता दूं कि जितना भी अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर एक फैक्ट्री इंडस्ट्री, जो उसमें रिक्वायरमेंट आते हैं ना, 12 आवर्स की शिफ्टिंग होती होती है। बेसिकली 12 आवर्स की शिफ्टिंग है एंड 26 डेज वर्किंग इन अ मंथ है, मतलब कि महीने में 26 दिन काम करना है, लेकिन 12 घंटे का आपका कंपलसरी ड्यूटी होगा। अब देखिए, इसमें मैं बताया था कि लोकेशन दानकुनी, चकुंदी लोकेशंस में रिक्वायरमेंट है, सेम ज्वाइनिंग प्रोसेस है, मतलब जिस दिन आप विजिट करेंगे उसी दिन आपका ज्वाइनिंग प्रोसीजर भी कंप्लीटेड हो जाएगा। अब देखिए, इसमें रूम का फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से यहां पे लिखा गया है, फ्री प्रोवाइडेड है, एंड टू टाइमिंग्स फूडिंग चार्जेस आपका 46 रुपीस पर डे के हिसाब से लगेगा, जो कि आपको बता दूं 1500 रुपए में आपको महीना दिन का दो टाइम खाना मिलेगा। अब एज ए कंपेयर टू किसी भी कैंटीन से कंपेयर कर लो, यहां पे बहुत ही चीपेस्ट कैंटीन मिलते हैं। अब लोग कहेंगे कि खाना का क्वालिटी दो नंबर होगा, तीन नंबर होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खाना का क्वालिटी भी नंबर वन है। तो एग्रेसिवली जो भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ में शेयर कर ही रहा हूं, एंड मैं तो निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियोस में पहली दफा आए हैं तो जरूर से एक बार कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट करके आपका मन का वहम जो भी है दूर कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअली में बहुत सारे लोग समझते होंगे कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है। तो आप लोग सीधा वीडियो के स्क्रीन पे जो कांटेक्ट नंबर है ना जी, उस पे कॉल कर लीजिए, बात कीजिए, ताकि आपको बेहतर एक्सपीरियंस बन सके। और आप लोग चैनल पे नए हो, जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी वीडियोज की सब नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। जो भी मिलता है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलता है, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय।